ये देखें दोस्तों, ये बच्चा इसको खोल रहा है। खोलने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग सेफ्टी फर्स्ट करें, आप सबसे पहले मेन ब्रेकर गिरा दें, फिर ये देखें। सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये लगा रहा हूँ बगैर शक करे हुए, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब घर में काम करने वालों के पास तो ज़रूरी नहीं है ना सारे टूल मौजूद हों, तो जो उनके पास आसानी हो वो कर सकते हैं। ये देखें, ये नेल कटर है, और फेज और न्यूट्रल में आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये इसका एक कनेक्टर है 12 वोल्ट का, ये हमारा पावर का कार्ड है, ये हमारा कंट्रोल का कार्ड है। अच्छा, पावर के कार्ड में यहाँ पर 12 वोल्ट आते हैं हमारे, मैक्सिमम 15 वोल्ट आते हैं जब एसी पे होता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काम लेकर आया हूँ एसी डीसी फैन का, जो नॉर्मली घरों में लगा हुआ होता है एसी डीसी फैन का। इसमें क्या मसले आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम फॉल्ट इस तरीके के आ रहे हैं कि हमारा फैन स्लो हो जाता है, या रनिंग टाइम तेज होता है फिर स्लो होने लग जाता है। आप कोई से भी लेवल पे चलाएं इसको, 1 पे 2 पे 3 पे, ये स्लो चलने लग जाता है। तो मैं फॉल्ट आपको रिपेयरिंग साइड से फॉल्ट निकाल के दिखाऊंगा कि रिपेयरिंग में किस तरीके से इस मसले का सॉल्व होगा, इसका क्या हल है, कैसे रिपेयर करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये फैन लेकर आए मेरे पास, इन्होंने खुद खोला है। ये बच्चे मेरे पास काम भी सीखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग डिप्लोमा भी कर रहे हैं। मैं इन बच्चों से भी आपको मिलवा देता हूँ। बेटा आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ थर्ड ईयर। ये DAE में डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनका सेकंड ईयर चल रहा है अभी। ऐसा ही है, सेकंड ईयर चल रहा है इनका, थर्ड ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं। और आप बताओ, आप बेटा क्या कर रहे हो? मैट्रिक में, और आगे डिप्लोमा करना है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देख लिया, ये जो दोनों बच्चे हैं, एक बच्चा हमारा DAE कर रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है उसका, डिप्लोमा कर रहा है। दूसरा बच्चा हमारा मैट्रिक में, और आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ये डिप्लोमा भी करेंगे और अपनी तालीम जारी रखेंगे, और इसी तरह काम सीखते रहेंगे। फिर काम करने के बाद इंशाल्लाह ताला ये आगे काम सीखेंगे, सीख के करेंगे, फिर लोगों को भी सिखाएंगे। दोस्तों, ये दोनों बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग साइड से काम सीख रहे हैं मेरे पास। मैं आपको पता है इंडस्ट्रियल काम करता हूँ, VFD वगैरह पर, और कोई भी कार्ड में फॉल्ट आता है रिपेयरिंग साइड से, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। और चैनल के जरिए अब मैं आप तक ये पहुँचा रहा हूँ कि काम किस तरीके से करना है VFD पर, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट PCB पर किस तरीके से फॉल्ट निकालना है, शॉर्ट सर्किट कैसे निकालना है। अभी ये देखें, मैंने सोलर पैनल पे वीडियो बनाई, फिर सोलर कंट्रोलर जो उसका चार्जर होता है उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो हमारे चैनल पर अब ऑडियंस जो है हर तरीके की है, स्टूडेंट भी है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ताल्लुक रखने वाले, सब लोग हैं उसमें, जनरल काम करने वाले भी हैं, जिनको काम की नॉलेज नहीं है वो लोग भी हैं, वो लोग भी सीखें। और इलेक्ट्रॉनिक आज के दौर में तो हर घर से इलेक्ट्रॉनिक जुड़ी हुई है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर घर में AC DC फैन भी है, वॉशिंग मशीन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्जर हैं, हर घर में यूज़ हो रहे हैं, सोलर पैनल आजकल तकरीबन लगे हुए हैं, हर बंदे की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, काम को समझें किस तरीके से काम होगा, जो रिपेयरिंग आप कर सकते हैं कर लें, जो नहीं भी कर सकते आप किसी से करवाएंगे उसके लिहाज से नॉलेज हासिल कर लें, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है सीख लें। अच्छा, आज की वीडियो में ये बच्चे, इनके घर में AC DC का फैन जो है सही से काम नहीं कर रहा था, स्लो चल रहा था, तो मैंने इनको बोला आप खोल के लेकर आ जाओ पार्ट, मैं यहाँ रिपेयर करूँगा, और फिर आप लगा देना दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वो फैन रिपेयर करके दिखाऊंगा। देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट, IC, कैपेसिटर, इनकी मदद से हम हाई वोल्टेज को कम वोल्ट से ऑपरेट कर रहे होते हैं, कम एम्पीयर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो फैन है हमारा, ये 220 वोल्ट से चल रहा है, अब हम इसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, एक रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं, इसको कितनी स्पीड पे चलाना है, कितने वोल्टेज पे चलाना है, कब ऑन ऑफ करना है। इसमें देखें, 3 वोल्ट के, 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगे हुए, 3 वोल्ट से और मिली एम्पीयर से ये ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह हमारी VFD में बड़े बड़े लोड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मोटरें, बड़ी बड़ी मोटरें, बड़े बड़े पैनल को हम कंट्रोल किससे कर रहे हैं, कम वोल्टेज कम एम्पीयर से। तो यही हमारी इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप इस काम को समझें और सीखें किस तरीके से रिपेयर होगा। मैं फैन का कार्ड अभी आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ क्या मसला है इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम आपके सामने भी ऐसा फॉल्ट आएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर यही मसला हुआ आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए कि तकरीबन मैक्सिमम जो मैंने फॉल्ट देखे यही फॉल्ट देखें, और इससे मैंने फॉल्ट क्लियर करें। आप लोगों को मैं बता भी दूंगा फिजिकल कैसे नजर आएगा, खराब कैसे नजर आएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं, या यही रीजन जो इनके पास आ रहा था यही मसला आपके सामने आएगा तो आप रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, अभी तेज हो के अभी स्लो हो जाएगा।
हाँ ये सिलो हो गया। ये देखें दोस्तों, ये बच्चा इसको खोल रहा है। खोलने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग सेफ्टी फर्स्ट करें, आप सबसे पहले मेन ब्रेकर गिरा दें। फिर ये देखें, फ़ैन के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है और एक नीचे कवर लगा हुआ होता है। ऊपर वाले कवर का पहले आप एक स्क्रू खोलेंगे, कवर नीचे आ जाएगा। फिर आप फ़ैन को नीचे भी उतार के इसका कार्ड बाहर कर सकते हैं, और फ़ैन को लगे हुए भी अगर आपके पास हाइट है, बड़ा स्टूल है, तो ऊपर भी कार्ड खोल सकते हैं। आपको जो आसान तरीका लगे आप उस तरीके से खोल सकते हैं। आप ऊपर भी खोल सकते हैं, नीचे भी खोल सकते हैं। नीचे खोलेंगे कार्ड आपका इजीली खुल जाएगा और आपका फ़ैन भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद देखें ये कवर हटेगा, ये कवर बच्चे ने हटा दिया। उसके बाद देखें ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू हटेगा। एक पिन लगी हुई है, वो पिन हटेगी। फिर ये जो नीचे कवर है, ये कवर भी ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये कवर ऊपर आएगा आपको ये कार्ड नज़र आ जाएगा। कार्ड पे देखें कनेक्शन लगे हुए होते हैं 12 वोल्ट के और 220 वोल्ट के। ये भी आपको इसी तरह खोल लेने। 12 वोल्ट के जो हैं प्लस माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और हमारे एसी के कनेक्शन पे न्यूट्रल फेज़ होता है। आप न्यूट्रल फेज़ कहीं भी लगा सकते हैं, आप उसमें निशानी लगाएं या ना लगाएं, आप उसके तार ऐसे ही निकाल लें। प्लस माइनस के निशान लगे हुए होते हैं, कार्ड पे लिखा हुआ होता है, और रेड वायर पॉजिटिव का होता है। आप उसको देख लें या उसकी एक तस्वीर ले लें, उसी तरीके से लगा दिएगा। बाकी कार्ड पे बॉडी पे भी लिखा हुआ होता है कि यहाँ 12 वोल्ट लगेंगे या 220 वोल्ट लगेंगे, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप इसके दो कार्ड के प्लास्टिक की दोनों साइडों पे दो स्क्रू होते हैं, ये आप खोल सकते हैं। दोनों स्क्रू खोलेंगे, देखें इजीली कार्ड हमारा बाहर आ जाएगा। कार्ड बाहर आ जाएगा, फिर आप देखेंगे कि कार्ड के अंदर भी दो कनेक्टर लगे हुए होते हैं। आप एक कनेक्टर जो होता है UVW का, 3 पिन का जो कनेक्टर होता है, वो हमारी वाइंडिंग का कनेक्टर होता है। आपको वो कनेक्टर अलग करना है। वो कनेक्टर जैसे ही आप अलग करेंगे, आपकी वाइंडिंग कार्ड से डिसकनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक का हमारा काम अच्छे से हो गया, कार्ड निकालने का, फ़ैन से डिसकनेक्ट। आपने कार्ड किस तरीके से करा है आपने ये देख लिया, आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैं आपको कार्ड के बारे में बताता हूँ कि कार्ड में हमें किस तरीके से काम करना है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 12 वोल्ट और 220 वोल्ट के कनेक्शन किस तरीके से सिंबल बने हुए होते हैं। कार्ड पर प्रिंट हुआ हुआ होता है कि 220 यहाँ लगानी है। अक्सर लोग ये भी गलती कर देते हैं, तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों को जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप अपनी निशानी लगा सकते हैं कि मुझे 12 वोल्ट कहाँ लगाने हैं, किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव की मुझे निशानी लगानी है। आप तस्वीर ले लें, पिक ले लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, उस तरीके से आप प्रॉपर काम करिएगा। फ्रेंड्स, ये कार्ड जब खोलने के बाद ये इस कंडीशन में होता है हमारे पास। ये देखें खुर्शीद का फैन, ये देखें ये इसकी 220 की लाइन है, AC 220 और DC 12 वोल्ट। अगर आप कार्ड चेंज करना चाहें तो आप कार्ड चेंज भी कर सकते हैं इसी तरीके से, बस आपको लाइन का ख्याल रखना है। इसमें देखें 12 वोल्ट में पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। और फेज़ और न्यूट्रल में आप कहीं भी लगा सकते हैं, फेज़ और न्यूट्रल, उसमें मसला नहीं है AC के अंदर। अच्छा, ये मैंने कार्ड निकाल दिया, कवर खोल दिया। ये इसका एक कनेक्टर है 12 वोल्ट का, ये हमारा पावर का कार्ड है, ये हमारा कंट्रोल का कार्ड है। अच्छा, पावर के कार्ड में यहाँ पर 12 वोल्ट आते हैं हमारे, मैक्सिमम 15 वोल्ट आते हैं जब AC पे होता है। तो अब ये देखें इसके अंदर क्या फॉल्ट है, सिंपल सा फॉल्ट है, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये पहले मैं आपको ये डिस्कनेक्ट कर दूँ कार्ड भी, इसमें हाथ नहीं जा रहा मेरा, ये मैं इससे निकाल देता हूँ। क्लिप होता है इसके अंदर, ये क्लिप प्रेस करेंगे ये कनेक्टर निकल जाएगा। अच्छा, ये 3 पिन का कनेक्टर, ये तो इन्होंने कॉइल के साथ बच्चों ने खोल दिया, वहाँ से यहाँ से कॉइल के साथ UVW का लगता है, तो वो बाद में ही लगेगा। अब मैं पहले आपको ये कार्ड डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ये निकाल दिया वायर, इसमें स्क्रू लगे हुए, ये स्क्रू खोल दूंगा मैं। फॉल्ट देखिएगा इसमें कितनी आराम से, आप लोग देख के भी पहचान सकते हैं ये फॉल्ट है या नहीं है, बहुत इजीली इसमें फॉल्ट निकल जाएगा। ये दोनों स्क्रू खोल दिए, ये कार्ड हमारा बाहर आ गया, ठीक है। ये इसमें हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड, मॉस्फेट, कैपेसिटर। अच्छा, अब आप कैपेसिटर पे गौर करें। ये देखें ये जो कैपेसिटर है ये फूला हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये भी ख़राब है, और ये भी यहाँ से फूला हुआ है, यहाँ से फटा हुआ भी, और ये वाला सही दिख रहा है लेकिन ये भी ख़राब होगा। अच्छा, ये 3 कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यू है माइक्रोफेराइड, देख सकते हैं इनके कितने हैं, 1500। ये देखें ये UF आपको लिखा हुआ नज़र आएगा,
ये माइक्रो का सिंबल है, ये यूएफ समझ लें आप, यूएफ लोकल लैंग्वेज में 1500 यूएफ 25 वोल्ट, ठीक है 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अब आप इनको चेंज कर सकते हैं, ये ख़राब है। अब ज़रूरी नहीं है ख़राब आपको ऐसे ही नज़र आए कि भाई ऐसे नज़र आएंगे तो ख़राब होंगे, ये आपके पास फटे हुए भी निकल सकते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, ये कोई बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, कोई अलग अलग फॉल्ट आता है इसके अंदर ना। तो आप ये तीनों सिंपल है, तीनों कैपेसिटर ये चेंज कर देंगे। अच्छा ये वाला अक्सर ये वाला ख़राब नहीं होता, लेकिन यहाँ भी ये वाला भी देखें फूला हुआ है, ये कैपेसिटर भी ख़राब हो गया। अच्छा इनको लगाने का तरीका भी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पहले मैं तीनों निकालता हूँ, हमारा एक निकल गया, दूसरा भी निकल गया, हमारा तीसरा भी निकल गया। अच्छा ये देखें, ये तीनों कैपेसिटर मैंने निकाल दिए, ये देखें तीनों मैंने निकाल दिए, सेम वैल्यू के हैं ये। अच्छा वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप उसी वैल्यू के लगा दें ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेम वैल्यू के कैपेसिटर आप लगा दें। अच्छा पहले जो हमारे इलेक्ट्रिक फैन थे उसके अंदर नॉन पोलर कैपेसिटर लगा होता था, 2.4.7 का या 3.3 का। अच्छा इसमें क्या फ़र्क है, ये डीसी कैपेसिटर हैं, डीसी में क्या है हमारे पास पोलैरिटी होती है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव ये लाजमी होता है, अगर आप उल्टा लगा देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब हम पोलैरिटी वाले कैपेसिटर लगाते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर, ये हमारा पोलर कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल होता है, उसी सिंबल पर हमें लगाने हैं, और मैं उसका तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से होता है। अब आप सकर की मदद से ये होल इसको सक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये ना भी हो तो आप फिर भी गर्म करके पीछे से लगा सकते हैं कैपेसिटर, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये सकर होना लाजमी है, जिनके पास नहीं है वो लोग बगैर सकर के भी लगा सकते हैं। ये मैंने सकर की मदद से होल कर लिया, अगर ये होल आपके पास सकर नहीं है, सोल्डिंग सकर नहीं है, ये इसको सोल्डिंग को सक करता है, तो ये मैं आपको दोबारा से होल बंद करके दिखा रहा हूँ, देखें ये मैंने होल बंद कर दिया। जब आप कैपेसिटर निकालेंगे ऐसे होल बंद होगा, तो इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास आयरन और सोल्डिंग वायर भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा ये देखें, ये मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आपको। अच्छा इसमें नोटिस क्या करना है आपको, पोलैरिटी का मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमारे पीसीबी पे सिंबल बना हुआ होता है कि पॉजिटिव कहाँ लगाना है नेगेटिव कहाँ लगाना है। अब ये देखें इसके अंदर अलग अलग तरीके के बने हुए होते हैं, ये इसके अंदर देखें ये लाइनें बनी हुई हैं, तो ये नेगेटिव है हमारा, ये जो हाफ सर्कल जो खाली है ये हमारा पॉजिटिव है। इसी तरीके से कैपेसिटर में ये जो लाइन है ये नेगेटिव है, ये जो खाली है यहाँ से ये पॉजिटिव है। दूसरी निशानी एक और बता रहा हूँ आपको, ये इसका जो ये देखें दोनों वायर निकले हैं कैपेसिटर के, ये जो थोड़ा सा बड़ा है ये पॉजिटिव है, और जो छोटा है एलईडी की तरह हमारा एनोड कैथोड जो होता है, इसमें जो नेगेटिव है वो छोटा है पॉजिटिव बड़ा है, तो ये भी इसकी एक निशानी है। तो आप ऐसे रखें, पॉजिटिव पॉजिटिव पे रखें, और ये यहाँ पर होल पे जब हीट करेंगे आयरन की मदद से, ये देखें सुराख हो गया अंदर चला गया, और ये दूसरा भी आप कर दें, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ हीट करें आपने, ये ऊपर आ गया, ये हमारा सेम वैल्यू का लग गया, देखें नेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव पे पॉजिटिव, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फ़ैन के कार्ड के भी मुझे रेट नहीं पता अभी क्या चल रहे हैं, बहरहाल आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि फ़ैन का कार्ड कितने का मिल रहा है ये खुर्शीद का। और अच्छा ये रिपेयर करने का जो मैं मकसद बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है अब मैंने खुर्शीद का फ़ैन है आपके पास रॉयल का है या दूसरा है डिलेक्स है या अलग अलग कंपनियों के आते हैं, मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी कंपनीज़ के आते हैं ये फ़ैन, इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन आप लोग इसी तरह रिपेयर कर लिएगा, फिज़िकल चेक कर लिएगा, जो आप कर सकते हैं वो तो करें, बाकी जो नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है, फिर आप देखें उसमें क्या हो सकता है, वो आपसे जो हो सकता है वो आप कर लें। ये तीनों मैं लगा दूंगा इसी तरीके से। फ्रेंड्स इसके अंदर साइज़ का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, कुछ साइज़ में थिकनेस इसकी ज़्यादा हो सकती है, लेंथ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो मसला नहीं है, आप थोड़ा सा आगे पीछे भी करके लगा सकते हैं,
और बस ये हो, ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी तो फिर ये आपका कवर बंद नहीं होगा, ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी तो ये काट नहीं लगेगा, ये मसला है। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सेम साइज़ का ले लें, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये तीनों लगा रहा हूँ मैं। ये घरेलू काम करने वालों के लिए, और जो घरों का काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं उनके पास तो ऐसे बहुत सारे केस आते होंगे। असल में तो वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, अक्सर लोगों को तो मालूम होता है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद ये देखें, ये तीनों मैंने लगा दिए। पोलेरिटी का ध्यान रखना है, साइज़ का भी मैंने आपको बता दिया, ऊंच नीच हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वैल्यू गलत आएगी, वैल्यू सेम होनी चाहिए। किसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, साइज़ का कोई मसला नहीं है। देखें साइज़ बस इसके अंदर आना चाहिए, ये यूँ, ये देखें ये आ रहा है, कवर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये भी मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं चेंज करूँगा। अच्छा, इसकी आप वैल्यू देख लें, फोकस कर दूं मैं, 220 माइक्रोफेराड 35 वोल्ट, 220, ये देखें UF लिखा हुआ है, ठीक है, और 35 वोल्ट। इसकी भी डायरेक्शन आप देख, पहले भी डायरेक्शन देख सकते हैं आप, अगर PCB पे डायरेक्शन का सिंबल नहीं बना हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये माइनस की लाइन इधर थी, कंट्रोलर की साइड थी, या कनेक्टर की साइड ये प्लस था। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाल दिया। अब देखें इसमें होल नहीं हुआ हुआ है, देखें मैं बगैर होल के आपको लगा के दिखा दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये देखें यहाँ से फूला हुआ है, ये यहाँ से फूला हुआ है, आप गौर करें, ये ख़राब है। ये यहाँ से ब्लास्ट भी हो सकता है, डी वैल्यू भी हो सकता है, वो भी मैं आपको चेक करा सकता हूँ। मल्टीमीटर से हम डी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, वो भी मैं चेक करा सकता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लगा कर दिखाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं वैल्यू चेक करने का और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके हवाले से भी वीडियो मैं बना दूंगा किस तरीके से चेक होते हैं। ये देखें मैं ये लगा रहा हूँ 220 35, दिखा दूँ आपको, इस पर भी देख लें, 220 220 UF 35 वोल्ट, ठीक है। अब मैं ये लगा दूंगा, अगर आपके पास शकर नहीं है कोई मसले की बात नहीं है, आप इसमें भी देखें, ये पॉजिटिव पे देखें पॉजिटिव लिखा हुआ है, मैंने आपको जो बताया था पॉजिटिव पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसके नेगेटिव पे ये पूरा वाइट हुआ हुआ है। तो आपको इस चीज़ से भी नहीं घबराना, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि प्लस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ प्लस की पिन मैंने बताई है आपको, थोड़ी सी बड़ी होगी और यहाँ से सादा होगा, तो यहाँ पर प्लस ही लगाना है, उल्टा लगा देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखें, ये मैं लगा रहा हूँ अभी बगैर शक करे, होल मैंने शक नहीं करा, ये इसका माइनस पे नेगेटिव रख लिया। ये देखें दोनों वायर आ गए, ये देखें, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये लगा रहा हूँ बगैर शक करे हुए, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब घर में काम करने वालों के पास तो ज़रूरी नहीं है ना सारे टूल मौजूद हों, तो जो उनके पास आसानी हो वो कर सकते हैं। ये देखें ये नेल कटर है, ये ख़राब है तो मैंने इसी काम के लिए बना लिया, ये पिन वगैरह काट लेते हैं। आप कटर प्लास से भी काट सकते हैं, कटर प्लायर यूज़ कर सकते हैं, कटर कैंची यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह अभी इसकी भी सारी पिन है काट दी हैं, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह पैक करेंगे इसको, जैसे हमने खोला था उसी तरह पैक करेंगे, ये बच्चे वहाँ जाकर लगाएंगे, फिर आप इसकी स्पीड वगैरह जो भी चेक करना हो आप चेक कर लिएगा, ये वहाँ पर जब लगाएंगे चेक करेंगे, स्पीड भी आपको चेक करा देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। अब देखें आगे किस तरीके से इसके कनेक्शन करके ये आपको ऑन करके रन करके दिखाते हैं फैन को। अब बिल्कुल उसी तरह इसको पैक कर रहा हूँ मैं, ये देखें ये वायर यहाँ से निकाल दिए। अब इसमें दो स्क्रू हैं और आगे भी मेरे पास कुछ ऐसे मसले आए
सीखने सिखाने वाले, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ये कार्ड भी उसी तरह लगाना है। ये स्क्रू लगा दिया, ठीक है। ये कनेक्टर 12 वोल्ट का वहीं आ जाएगा। ये इसमें कनेक्टर भी ऐसा नहीं है कहीं आपसे गलती से आगे पीछे लग ही नहीं सकता, इसलिए कि एक 3 पिन है, एक 2 पिन है, ठीक है। बस मसला ये है कि आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, एसी और डीसी का। अब ये देखें, ये कवर का ढकना उसी तरह लगा देंगे। ये भी ऐसे वैसे घूम ही नहीं सकता, इसलिए कि ये कट देखना है आपको, ये कट देखना है, सिंपल है, इसी तरह लग जाएगा, ठीक है। ये लग गया, बस अब वहाँ पर जब कनेक्शन करना है तो इसके ऊपर पॉजिटिव ही लगाना है, और ये जो लगा रहा हूँ दूसरा वायर इसके ऊपर नेगेटिव लगाना है, ये गलत नहीं लगाने बस। ये मैंने वायर लगा दिए, अब ये दोनों बच्चे वहाँ पर जाके इसको कनेक्ट करेंगे, कार्ड को वहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों अब हम इस कार्ड को उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने इसको निकाला था। बहुत से लोगों को तो मालूम होता है कि कनेक्शन वगैरह किस तरीके से निकलेंगे, कार्ड के किस तरीके से लगेंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, इस वीडियो में आप लोग ये देख के फर्स्ट टाइम भी अगर आप काम करेंगे, कार्ड को किस तरीके से डिस्कनेक्ट करना है, या आपको दूसरा रिप्लेस करना है, या रिपेयरिंग के बाद लगाना है, तो आप लोग आसानी से लगा देंगे, इसलिए मैंने आसान तरीके से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अभी हमने लगा दिया, अब इसको ऊपर फिट करके फिर आपको चला के दिखाएंगे। ये 4 पे दोस्तों इस तरीके से हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।